ठंड हर किसी को पसंद होती है। भारत में तो टेम्परेचर 10 से नीचे जाते ही लोगों की हालत नरम हो जाती है और बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ठंड खून को जमा दे और जीने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़े तो सर्दी का मौसम नापसंद में तब्दील हो जाता है। दुनिया में एक ऐसा ही शहर है जहां का तापमान -72 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया है। सर्दियों में यहां सामान्य तौर पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन स्कूल फिर भी चलते रहते हैं। रूह कपा देने वाले इस शहर का नाम ओइमियाकोन है। यह दिखने में जितना सुंदर है, यहां का जीवन उतनी ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर यहां के लोगों को जीवन जीने के लिए क्या क्या करना होता है और यहां होने वाली ऐसी घटनाएं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भला ऐसा कहां होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर इस शहर में गर्म पानी को हवा में उछाल दिया जाए तो तुरंत बर्फ में तब्दील हो जाता है। इसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना गया है। इससे भी ठंडी जगह है, लेकिन वो शहर नहीं है। यहां ठंड का इस कदर प्रकोप है कि अगर गाड़ी का इंजन आपने बंद कर दिया तो गाड़ी दोबारा चालू भी नहीं होगी। कई पर्यटकों के लिए ये शहर बेस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहां हर कोई नहीं आ सकता। इस शहर में घूमने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। सर्दियों के मौसम में यहां पानी की समस्या ज्यादा रहती है, क्योंकि यहां पाइप में मौजूद पानी भी जम जाता है। ऐसे में पीने का पानी भी बर्फ पिघलाकर इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में पानी जम जाने पर लोग अपने घरों के बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जो किसी जंग से कम नहीं है। सर्दियों में यहां पहुंचने के लिए आपको 2 दिन कार का सफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां इतनी बर्फ जमा हो जाती है कि कोई भी प्लेन लैंड नहीं कर पाता है। नजदीकी रूसी शहर याकुत्सक से 2 दिन कार में सफर करना पड़ सकता है। शहर के मौजूद कई चौराहों पर थर्मामीटर लगाए गए हैं। वहीं शहर के एक चौराहे पर मेन थर्मामीटर लगा हुआ है। मेन चौराहे पर एक निशान है जो ये दर्शाता है कि सबसे कम तापमान कब गया था। यहां सर्दियों में 21 घंटे अंधेरा रहता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको इस शहर में खाने की बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में यहां बिल्कुल ही खेती नहीं होती है और गर्मियों में बहुत ही कम खेती बाड़ी होती है। यहां के लोग खरगोश, रेंडियर, मछलियों व अंडों पर जिंदा रहते हैं। ऐसा खाना उनके शरीर को गर्म रखता है। मरे हुए जानवर भी जम जाते हैं, जिसे पकाने के लिए उन्हें पहले पिघलाना पड़ता है। अगर आप यहां घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों को इस मौसम की आदत पड़ चुकी है। लेकिन यहां घूमने जाने वालों के लिए स्वास्थ्य से कई जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। उन्हें फ्रॉस्ट बाइट बहुत तेजी से हो सकता है। अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उंगलियां भी काटनी पड़ सकती हैं। इसलिए यहां जाने वालों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप यहां जाने की सोच रहे हैं तो एक प्रॉपर टीम के जरिए जाएं, ना कि खुद से ट्रिप प्लान करें। साल 1924 में इस जगह का तापमान -72 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यहां 500 से 900 लोग रहते हैं। इन लोगों पर फ्रॉस्ट बाइट या पाला गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। कड़ाके की सर्दियों का सामना करने के लिए बच्चों को यहां के तापमान के हिसाब से सख्त बनाया जाता है। यहां -50 डिग्री के तापमान में बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब तापमान में अधिक गिरावट होने लगती है तो यहां स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार यहां दिसंबर के महीने में सूरज करीब 10 बजे उगता है। ऐसे में ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। आलम यह होता है कि गाड़ियों की बैटरी बर्फ में न जमे, इस वजह से गाड़ियों को हर वक्त स्टार्ट किए रखना पड़ता है। यहां के लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है। नदी से लेकर पेड़, सभी चीज जम जाती है। ओइमियाकोन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पानी जमता नहीं हो, लेकिन यहां पानी से लेकर इंसान भी जम जाता है। इस जगह को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। यहां की ठंड का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कोई सर्दियों में घर से बाहर निकलता है तो उसकी पलकें तक बर्फ से जम जाती है। यहां देखते ही देखते पानी जम जाता है, चेहरा बर्फ से ढक जाता है। पानी अगर हवा में उछालो तो नीचे आने से पहले वो जम जाता है। फिर भी यहां लोग बसे हुए हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में।